मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और कार रिव्यू, बल्कि इसको मैं कहूँगा गैरेज रिव्यू। और ये एक ऑर्डिनरी गैरेज नहीं है, यहाँ पे ख़राब गाड़ियाँ नहीं बल्कि सही गाड़ियाँ आती हैं और दे बिकम सुपर परफॉर्मेंस कार। ये ऐसी तरह ही है जिस तरह सही सलामत सेहतमंद आदमी हॉस्पिटल जाए और सुपरमैन बन के निकले। सो गियर अप टू नो एवरीथिंग अबाउट फेडरल गैराज। ये पाकिस्तान के चंद बड़े तरीन गैराजेस में से है विच इज़ डेडिकेटेड फॉर रैली प्रेपरेशन। रैलीज के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं और प्रिपेयर होती हैं, और यहाँ पे हर गाड़ी की एक अपनी लेगेसी है, एक अपनी जर्नी है। ये मेरे पीछे जो गाड़ी आप देख रहे हैं, दिस इज़ टोयोटा टकोमा 2016, दिस इज़ ए प्रिपेयर्ड। और इस गाड़ी जो अभी सबसे रिसेंट चोलिस्तान रैली हुई है, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली होती है, दिस इज़ द कार जो कि वो रैली जीती है। और इस गैराज की स्पेशल, और इस गैराज की अगर आपने लिमिटेशंस देखनी है कि कहाँ तक इसमें कितनी स्पेशलाइज्ड काम होता है, 13 दिन के अंदर ये गाड़ी तैयार की आसिफ भाई ने, जो द ओनर ऑफ द गैराज, और ये गाड़ी रैली जीती। यहाँ पे जो मेरे साथ आप ह्यूज ट्रक देख रहे हैं, दिस इज़ टोयोटा टुंड्रा 2008, ये गाड़ी रैली के अंदर रन के लिए नहीं है, पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं है, लेकिन इसकी पार्टिसिपेशन होती है सिर्फ रेकी के लिए, कि जो आपने ट्रैक समझना है उस पर जाना है। और यहाँ पे मेरे साथ खड़ी है एयर वुल्फ। इस गाड़ी का एक स्पेसिफिक नाम रखा गया है, इतनी मोहब्बत होती है रैली ड्राइवर्स को अपनी गाड़ियों से कि उसका नाम रखते हैं। जो वो गाड़ी जीती है उसका नाम है स्मोकी। दिस इज़ 2012 मॉडल टोयोटा टकोमा और इसका नाम है एयर वुल्फ। ये गाड़ी जीती है थल झलमक्सी गवादर, दिस कार केम फर्स्ट। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल कार, और इधर बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड लोग जो हैं वो काम करते हैं, और इधर की पूरी टीम दे आर वेरी प्रोफेशनल। तो अंदर जाके देखते हैं कि इन गाड़ियों की प्रिपरेशन कैसे होती है। सो लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा टू द ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल गैराज, जो के हैं लेजेंडरी ड्राइवर मिस्टर आसिफ फजल चौधरी। वेलकम टू गियर अप आसिफ भाई, क्या हाल है? थैंक यू सो मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? जबरदस्त। और आपने माशाल्लाह जो फैसिलिटी, दिस लुक्स लाइक नॉट अ पार्ट ऑफ इवन पाकिस्तान। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी बहुत सारी गाड़ियों पे यहाँ पे नजर पड़ रही थी, और आते हुए मैंने पीछे देखा कि कोने में एक ब्लू कलर की बहुत ही इम्पेकेबल कंडीशन में डिफेंडर खड़ी है। रैली की गाड़ियों के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले चले मुझे डिफेंडर दिखाएं। आए प्लीज। आसिफ भाई, ये कहां से कैसे इतनी जबरदस्त कंडीशन में गाड़ी? गेम्स अभी ये गाड़ी, ये दिस इज 1996 मॉडल। अच्छा, जबरदस्त। एंड दिस हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम द यूके, और ये वहाँ पे रिस्टोर हुई है। यहाँ पे एक इस्लामाबाद में डिप्लोमेट थे, वो उन्होंने ये गाड़ी वहाँ से बनाई। अच्छा। वो लेके आए पाकिस्तान वहाँ से रिस्टोर करके, और हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने उनसे खरीदी, तो वो ही हैज पार्क्ड इट विद मी फॉर सम टाइम। मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी गाड़ियाँ बहुत अच्छी रिस्टोर होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दिस इज़ ऑन अनदर लेवल। अगर इस पर आप अंदर से नज़र मारें तो एक एक बटन, एक एक गेज जो है, दैट इज़ इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। और सिर्फ वर्किंग कंडीशन, प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं है, इसका जो फिनिश है दरवाज़ों पे ऊपर, इसका इवन जो प्लास्टिक है, दैट इज़ स्क्रैचलेस एंड स्पॉटलेस, और मतलब कि मज़ा आ गया देख के। और आसिफ भाई, अब चलते हैं इन गाड़ियों की तरफ। ये गाड़ी मैं देख रहा था, इसकी ये भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में, और आप मुझे बता रहे थे कि ओरिजिनल पेंट के अंदर। एग्जैक्टली जी, दिस इज़ 1991 मॉडल व्हीकल। इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है मेरे लिए जी, क्योंकि ये मेरे वालिद साहब की गाड़ी है, उनकी निशानी। अच्छा, है एंड उन्होंने ये गाड़ी 1991 में ब्रांड न्यू खरीदी थी, एंड ये गाड़ी तकरीबन 4 लाख किलोमीटर चल चुकी है। एंड बिफोर ही पास्ड अवे उन्होंने ये गाड़ी मेरे पोजेशन में दी थी, एंड आई स्टिल लव इट एंड आई टेक केयर ऑफ इट। जबरदस्त। और अगर हम आगे चलें साथ ही जी,
तो हमें जीप नज़र आती है। सब गाड़ियों की एक यहाँ पे जो है ना एक टोटली फील ही डिफरेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली एक नॉर्मल गैराज तो है नहीं जहाँ पे ख़राब गाड़ी आती है। तो इस ये दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कलर सर। ये बेसिकली जीप कंपनी का आप कह लें कि एक जो ट्रेडमार्क कलर है जी, ये ग्रीन कलर है वो, और इसके अंदर आपकी चिरोकी जीप, रैंगलर जीप, बिल्कुल बिल्कुल वो सारी इस कलर में आती हैं। एंड बाय द वे दिस इज टीजे सीरीज रैंगलर 1998 मॉडल विद अ 4 लीटर इनलाइन 6 इंजन। एंड ये गाड़ी भी आप कह लें कि पैम्पर होने के लिए मेरे पास आई हुई है। अच्छा, फॉर आसिफ भाई लव ऑफ कार्स, लोग इनके पास इनकी मोहब्बत देख के गाड़ियों के साथ अपनी गाड़ियां भी, जैसे अपने पेट्स आप हमेशा सिर्फ उस बंदे को देते हैं जिस पे आपको ट्रस्ट होता है, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन अगर उसको ट्रस्ट आप करेंगे तभी। इसी तरह आसिफ भाई को बहुत सारे लोग जो हैं अपनी गाड़ियों के साथ ट्रस्ट करते हैं। वो दिस इज लाइक माई, आप कह लें कि एस्केप फ्रॉम ऑल द वरीज अराउंड द वर्ल्ड। और इट्स अ फैमिली गैराज, और ये मेरा अपना पर्सनल आप कह लें कि एक वर्क स्पेस है। एंड इट्स नॉट क्राउडेड, ये बिल्कुल इसी तरह This is a very peaceful place. Yes. And especially जो मैंने इसकी उसकी जो location जो मैंने select किया वो इसी वजह से की है कि away from everything on the side. And मैं कभी कभार अपने बच्चों को weekend पे हम लोग वो अपनी family को भी बुलाता हूँ, हम लोग बैठते हैं, picnic करते हैं, and it's a getaway from all the worries. It is, and it is a very nice one, I tell you. Thank you. और ये मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी आपकी एक बिल्कुल तैयार हो रही है। व्यूअर्स, मैं आपको उस जर्नी पे लेके जाऊँगा जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं रैली के, कौन सी जो प्रिपेयर्ड कैटेगरी है, जो सबसे हाई एंड कैटेगरी है गाड़ियों की, उसकी जो सारी प्रिपरेशन है। आसिफ भाई खुद इसमें एक मास्टर है, मुझे लगता है कि आप तो एक इंजीनियर फुल पीएचडी के साथ मुकाबला कर सकते हैं। जी मैं कहूंगा टेक्निकली शायद नहीं, लेकिन ऑन ग्राउंड जितना आपके पास डाटा है फील्ड नॉलेज आप कह लें या एक्सपीरियंस कह लें, आफ्टर बिल्डिंग द व्हीकल्स, आफ्टर यू नो जब आप गलती करते हैं आप उसे सीखते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स जो इस जर्नी में हमने जो गलतियां की उनसे सीखा, चीजों को इम्प्रूव किया, नॉलेज गेन किया, एंड वी हैव कम अप टू अ लेवल के जिस लेवल की मॉडिफिकेशंस इन गाड़ियों पे हो रही हैं इस टाइम में पाकिस्तान में, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। एंड अगर आप इसे कंपेयर करें टू द US, तो आई वुड से कि हम लोग जितना इनका जो ऑफ रोड पार्ट्स और वो सारी चीज़ें सोर्स वहाँ से करते हैं, लेकिन उनके लेवल के ऊपर हम लोग गाड़ियाँ यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और मैं देख रहा हूँ कि दिस इज ऑल्सो बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर ए प्रिपेयर्ड के लिए तैयार हो रही है। इसको आपने पूरा खोला हुआ है, अभी हम आप इसको गाड़ी को जो है वो अलग करके और उसका आपको पूरा इनर व्यू दिखाते हैं। जबरदस्त। और आप बड़े से बड़े खड्डों के अंदर ज्यादा स्पीड में, आसान जबान में, जितना बेहतर सस्पेंशन होगा उतने बड़े खड्डे में आप फुल थ्रॉटल जा सकते हैं। अपनी इतनी जो दिल के करीब गाड़ी है वो आपने मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। ये मेरे साथ खड़ी है, इस गाड़ी को आप पहचान भी नहीं सकते ये कौन सी गाड़ी है, इस पर ज़रा नज़र डालें आप। आसिफ भाई जनाब, ये इसके बारे में, इसका ये शाइनी सस्पेंशन, ये इसकी इसके पीछे क्या स्टोरी? ये हम सब भाई बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड अ लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन सिस्टम, ये भी US से इम्पोर्ट होता है। ओके। नॉर्मल गाड़ी के जो शॉक्स होते हैं वो उनका वो बेस्ड होते हैं इसका जो सस्पेंशन अपर कंट्रोल आर्म और लोअर कंट्रोल आर्म जो होते हैं उनके साथ लिंक्ड होते हैं। ठीक है। तो जो व्हील की जो मूवमेंट है जिसने
जब इसने खड्डों में मूव करना होता है तो उसको ट्रैवल कहते हैं। ट्रैवल बिल्कुल। टू गेट एक्स्ट्रा ट्रैवल ये बड़े शॉक्स लगते हैं और इसके साथ अपर कंट्रोल आर्म और लोअर कंट्रोल आर्म्स एक्सटेंडेड लगते हैं ताकि शॉक का जो एंगल है वो बढ़ा के उससे ज्यादा ट्रैवल लिया जा सके। जबरदस्त। और आप बड़े से बड़े खड्डों के अंदर ज्यादा ज्यादा स्पीड में आसान जबान में जितना बेहतर सस्पेंशन होगा उतने बड़े खड्डे में आप फुल थ्रॉटल जा सकते हैं। अगर आप रैली जीतना चाहते हैं क्या है सीक्रेट है टू विन रैली? देखिए सबसे पहले तो है आपकी रिलायबिलिटी जी। अगर आप यू वांट टू फिनिश पहली बात तो ये है कि आप रैली खत्म करें exactly. क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम है। बल्कि उससे भी जो ज्यादा वो इम्पोर्टेंट चीज है वो है किस्मत आपकी आपकी किस्मत होगी तो आपकी रिलायबिलिटी आपके काम आएगी। आपके साथ चोलिस्तान में किस्मत से मुझे याद आया जनाब कि चोलिस्तान की आपकी स्टोरी जो है वो बड़ी फेमस हुई कि आपने इतनी मेहनत की उसके बारे में बताए तो चोलिस्तान में इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट बट यू स्टिल सिक्योर्ड अ पोडियम। जी अल्हम्दुलिल्लाह वो चोलिस्तान इस दफ़ा जी काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग था। मैंने एक वो रेस व्हीकल यहाँ पे बिल्ड की अपने लिए, इट वॉज अ टोयोटा टैकोमा 2016 मॉडल था वो भी, तो मैंने वो एज ए प्री रनर बिल्ड किया कि मैं उसके ऊपर ट्रैक के ऊपर जाके तो मैं उस पर रैकीज करूँगा बिफोर द रेस एंड मैं भी प्रैक्टिस के लिए उसको यूज़ करूँगा। वहाँ पे रेस से एक दिन पहले जो फैसल शादी गिल की गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ गया तो वो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व नहीं हो सका और आपने उनको वो गाड़ी फोर्सफुली उसको मैंने वो गाड़ी वो अच्छा। वो उसको दी एंड वो गाड़ी जब मैंने वो फैसल ने वो गाड़ी ड्राइव की एंड ही इज अ वेरी गुड ड्राइवर ही इज अ वंडरफुल ड्राइवर जी बिल्कुल ही इज अ विनर ऑफ रीसेंट लास्ट जो चोलिस्तान रैली हुई है 2023 की एग्जैक्टली ही इज अ विनर ऑफ दैट। मैं उसी रेस की बात कर रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल। और उस रेस में जब फैसल ने उस गाड़ी पे पार्टिसिपेट किया तो ही स्टूड फर्स्ट इन दैट रेस और मेरे लिए जो खुशी की बात वो ये थी कि एक तो जो मेरा टीम मेंबर या मेरा दोस्त जीता एंड सेकेंडली जो व्हीकल मैंने यहाँ पे अपने गैराज पे टोटल 13 डेज में प्रिपेयर की थी एज ए चैलेंज। ये बहुत बड़ी बात है, लोग 6-6 महीने लगाते हैं गाड़ी को प्रिपेयर करने में और आपके पास माशाल्लाह जो फैसिलिटी है इसकी कैपेबिलिटी ये है कि अगर बनाने पर आएँ तो 13 दिन में एक पूरी रेस प्रिपेयर्ड व्हीकल जो है वो बना सकते हैं। अब हम इसकी सस्पेंशन की और इंजन की प्राइस की बात करते हैं। आसिफ भाई इसकी क्या प्राइस इस पर कॉस्ट कर रही है? दिस ऑल सेटअप इज आउट ऑफ अ वन कार, यानी कि एक टंड्रा गाड़ी में से उसका इंजन सारा कुछ गियर, उसका ईसीयू वायरिंग रेडिएटर ये सारी चीजें मिला के तो आई थिंक दिस शुड कॉस्ट अराउंड 3.5-4 मिलियन रुपीज। बिल्कुल, तो जितने की गाड़ी है तकरीबन उतना ही आई थिंक ऊपर एग्जैक्टली इसका लगता है। तो एक रैली प्रिपेयर्ड कार ए प्रिपेयर्ड में आपको तकरीबन 22-25 मिलियन कॉस्ट करती है, 2.25-2.5 करोड़ से 2.5 करोड़ तक एग्जैक्टली। लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आसिफ भाई ने डायरेक्ट जो रैली है वो ए प्रिपेयर्ड से स्टार्ट नहीं की, इन्होंने जर्नी के जो सारे चेक बॉक्सेज हैं उन्होंने स्टार्ट किया सी स्टॉक से, सी कैटेगरी से और आहिस्ता आहिस्ता आप बता रहे थे कि एवरी रेस इन्होंने जो सी के बाद की है उसके बाद ये जो अपनी लर्निंग देखते रहे कि अब मैं बेहतर जो है इसमें परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊँ, तो उस पर आप आहिस्ता आहिस्ता ये प्रिपेयर्ड पे पहुँचे हैं। दिस इज़ द राइट वे टू गो। पहली दफ़ा ज़िंदगी में रैली में पार्टिसिपेट करके ये रैली में फर्स्ट पोजिशन लेके आए, दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग और बड़ी सरप्राइजिंग थिंग। और अब हम चलते हैं आपके जो जिस गाड़ी पे आप सबसे ज़्यादा आपकी फर्स्ट पोजीशन आई हैं जो टकोमा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो लेट्स गो। ये वो गाड़ी है जो आसिफ भाई ने 13 दिनों के अंदर तैयार की और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे, दिस वॉज अ बैकअप कार, ज़रूरत पड़ने पे अपने फ्रेंड को दी जो कि चोलिस्तान रैली ही जीत गया। तो आसिफ भाई मेरा सवाल ये है, उन 13 दिनों में आप कितने घंटे सोए? जी सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू माय टीम जिन्होंने मिल के इतनी मेहनत की, क्योंकि इसके अंदर कोई एक सर्टेन सेगमेंट नहीं है, इसके अंदर जो मैकेनिकल यूनिट है वो अलग है, जो इलेक्ट्रिकल जो लोग हैं वो अलग हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स जो फैब्रिकेशन टीम के, हाँ। है वो अलग है और सब ने एक विल के साथ काम किया। सुबह 4-4, 5-5 बजे तक हम लोग इस पे काम करते थे
और ये प्रोजेक्ट वैसे नॉर्मली अगर आप देखें तो साल से डेढ़ साल का प्रोजेक्ट है जो हमने 13 दिनों में आपने तैयार किया है, और अल्लाह के फजल से वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली, सबसे टफ रैली, क्योंकि इट इज़ अ 500 किलोमीटर रैली, पाकिस्तान की सबसे बड़ी। तो गाड़ियां जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी एंड्योरेंस टेस्ट होती है। और अगर हम इस तरफ आए, ये टुंड्रा जो सबसे देखने में बड़ी गाड़ी है वो आप रैली में भागती नहीं, वो सिर्फ आपने, ये इसकी क्या वजह? ये बेसिकली जी आप कह लें कि मेरी एक शौक की गाड़ी है, मैंने इसको एक वो कॉन्सेप्ट को प्रसीव किया, फिर मैंने ये गाड़ी एक्वायर की और इसको प्रॉपर एज ए रेकी व्हीकल बिल्ड किया। ये आप देख सकते हैं एक सिंगल कैब टंड्रा है, बिल्कुल, जो कि एक ऑब्सोलीट मॉडल है, यूजुअली डबल कैबिन जो आता है टंड्रा। तो ये वन ऑफ 2-3 व्हीकल्स इन पाकिस्तान हो गए जी विद अ सिंगल कैब एंड विद अ 5.7 V8 लीटर इंजन। और ये एज ए प्री रनर यूज करने के लिए मैंने प्रिपेयर की। और जब हम रेस पे जाते हैं तो हम ट्रैक का पहले विजिट करते हैं, रेकी करते हैं। तो उस पर्पस के लिए ये गाड़ी जबरदस्त। और मेरे ख्याल में जो अब जिस गाड़ी की तरफ मैं अब आने लगा हूँ, दिस इज ये आसिफ भाई का इक्के का पत्ता, जिसको मैं कहूँगा फेवरेट कार। आसिफ भाई, इसको जरा आगे, इस गाड़ी पे हम थोड़ी डिटेल में बात करना चाहेंगे। यू कैन हियर द साउंड। आसिफ भाई मुझे बता रहे थे कि जब भी ये गाड़ी स्टार्ट होती है तो अंदर कुछ होता है, अंदर कोई फीलिंग आती है एकदम, कोई कनेक्शन है इनका जबरदस्त। और ये पूरी जितनी बॉडी है, दिस इज फाइबर ग्लास जी। जी फॉर वेट रिडक्शन, फ्रंट इसके फेंडर्स, इसका बोनेट, इसकी पिछले बेड साइड्स जो हैं, ये फाइबर ग्लास के बने। ये भी फ्रंट पे जितना सामान लगा हुआ है, वेट रिडक्शन के लिए बॉडी खुद तैयार करवाते हैं आप? जी एग्जैक्टली, इनके जी ये डिज़ाइंस बेसिकली US से फाइबर इनके बन के आते हैं। अच्छा, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी इन पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, ये बने बनाए पीसेज आते हैं फाइबर ग्लास? जी बिल्कुल जी, जो आप इसका मेटल बॉडी हटा के तो ये लगाते हैं। और इसके ऊपर इस गाड़ी से आपकी, मैं अगर ये गलत नहीं होगा कहना, ये फेवरेट गाड़ी? जी बिल्कुल, ये मेरे आप कह लें कि मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि 3 रेसेस में ये फर्स्ट आ चुकी है जी, 3 ए प्रिपेयर्ड की रेसेस में, और उसके अलावा मुतअद्दिद पोडियम्स भी हैं, और ये स्टॉक में भी फर्स्ट आ चुकी है। ये अच्छा, पहले ये स्टॉक में भागती थी? जी बिल्कुल, ये 2017 में ये मैंने गाड़ी एक्वायर की थी जी। और मैंने 2017 में ही पहली रेस इसके ऊपर थल की मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और मैं उसमें फर्स्ट आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कह लें कि दिस इज़ माय लकी चार्म। ये आप एज ए ड्राइवर, आपके साथ गाड़ी भी ग्रो की है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो गई, ए प्रीपेड में आ गई। जी बिल्कुल, ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स इसके अंदर एड ऑन्स और एडिशन्स होते रहे, इंजन, सस्पेंशन, रोल केजेस के डिज़ाइन एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो वो अपना, अब ये गाड़ी पाकिस्तान की ए प्रीपेड के हिसाब से जो टॉप स्पेक गाड़ियाँ हैं, इसका शुमार जबरदस्त A1। चले इस पर हम फिर थोड़ी सी ड्राइव पे निकलते हैं। वाइब्रेशन तो टोटली डिफरेंट है जी, बिकॉज इसमें जो इंजन है, इसमें जो इंजन माउंट्स हैं वो स्टॉक नहीं है, वो रेसिंग माउंट्स हैं। बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स आसिफ भाई, सो काइंड ऑफ यू, आपने अपनी इतनी जो दिल के करीब गाड़ी है वो आपने मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। इस गाड़ी की एक अपनी लेगेसी है और आई एम लविंग इट। और मैं अब ये देख रहा हूँ कि सस्पेंशन में वाकई मुझे जो है वो डिफरेंस नज़र आ, अभी तो ये मुझे ज़्यादा स्मूथ लग रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो सस्पेंशन है इसकी ट्यूनिंग इस तरीके से की जाती है कि ये स्लो स्पीड में इसका जो रिस्पॉन्स और बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है, वो स्लो स्पीड बम्प्स को केटर करता है, और जो इसका हाई स्पीड रिस्पॉन्स है टू द बम्प्स वो टोटली डिफरेंट होता है। इसकी प्रॉपर वेल्विंग की जाती है शॉक्स की इसके अकॉर्डिंगली। ज़बरदस्त। और मैं स्टेयरिंग व्हील देख रहा हूँ, आपने टोटली ये डिफरेंट स्पार्को का स्टेयरिंग व्हील है, और इसकी जो सीट्स हैं वो आसिफ भाई के लिहाज से प्रॉपरली डिज़ाइन है, ताकि वो अपनी जो सीटिंग पोजीशन है रैली के अंदर
वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आपकी सीट थोड़ी सी भी लूज है तो आप हिलते रहेंगे, उससे आप डिसओरिएंट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो रेसिंग सीट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी जो ड्राइविंग पोजीशन है उसमें, और ये आपको साइडों से और नीचे से होल्ड करके रखती हैं ताकि आप जब आप फोकस कर सकें, और सिक्स पॉइंट हार्डनेस आपको इनके साथ इतना अटैच करके रखती है कि आपको ड्यूरिंग रैली रेसिंग अपने आप को संभालने की जरूरत नहीं पड़ती, यू आर सो मच अटैच्ड टू द सीट्स। अच्छा आसिफ भाई, जो है ये रोल केजेस जो हैं आप रैली के अंदर देखते हैं, ये खुद बना रहे हैं? जी बिल्कुल, ये फैब्रिकेशन इन्वॉल्व्ड है जी इस रोल केज को बनाने में, फिर इसका डिज़ाइन मैटर करता है, इसमें जो पाइप यूज़ हो रहा है उसकी गेज और उसकी क्वालिटी मैटर करती है, तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इधर अपने गैराज के ऊपर ही ये रोल केजेस अपनी गाड़ियों के लिए खुद फैब्रिकेट करते हैं जी। ज़बरदस्त आसिफ भाई, मुझे लग रहा है जितना आपको नॉलेज है आपको एक अपनी गाड़ी ही बना लेनी चाहिए टोटली, अपने नाम से लॉन्च कर देनी चाहिए। अच्छा हमने इसको अभी रेव किया है तो इसकी साउंड जो है वो बहुत ही ज्यादा बेस वाली जो प्रॉपर मुझे फील आ रही है। बेसिकली जो V8 का जो ग्राउल और जो रंबल है वो आपको फील हो रहा होगा इसमें, और एग्जॉस्ट भी इसका शॉर्ट है जिसकी वजह से ये आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है। ये गाड़ी आप वैसे लेके जाते हैं, आप ड्राइव करके जाते हैं रैली पे या ये आप ट्रक पे जाती है? जी मैंने इसके लिए एक कैरियर तैयार किया हुआ है जिसके ऊपर वो ट्रॉली है जिसके ऊपर ये गाड़ी लोड होती है, और मेरी जो दूसरी लैंड क्रूजर गाड़ी है वो उसको टो करके साथ लेके जाती है। ज़बरदस्त, क्योंकि रेस के लिए तो आपको गाड़ी बिल्कुल फ्रेश चाहिए। बिल्कुल, आप जो ट्रैवलिंग है उस पर भी आप रिस्क नहीं लेते, आपने इतनी मेहनत की होती है। जी हम लोग इसको अपने गैराज से रेस रेडी करके हम इसको निकलते हैं, इसके ऑयल चेंज ईच एंड एवरीथिंग, ताकि हम लोग जब वहाँ पे पहुँचें तो हमें किसी किस्म का काम ना करना पड़े गाड़ी पे। ज़बरदस्त, आई कैन फील द रॉ पावर, बिल्कुल ज़बरदस्त इसकी, बहुत ही एक नॉर्मल गाड़ी से टोटली एक डिफरेंट चीज़ बनी हुई है, और उसमें अब बड़ी कम चीज़ें हैं जो रोड पे आप एक नॉर्मल गाड़ी से रिलेट कर सकते हैं। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू ड्राइव ए प्रिपेयर्ड रैली कार। थैंक यू आसिफ भाई For being a part of Gear Up, you have been a wonderful host. और आपका गैराज देख के मुझे आपका पैशन और आपकी डेडिकेशन के बारे में रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है। Thank you so much. Thank you so much. It was a pleasure having you here. JazakAllah. Inshallah, hope to see you soon. Allah. So this was the journey of the Federal Garage, and this is your host Hamza Pasha signing off. See you next time, only on Gear Up.